आ जाओ फटाफट से बना लेते हैं आज की रेसिपी में मेयोनीज वेजिटेबल सैंडविच। ये बहुत ही इजी बनते हैं एंड ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब इनको बनाना कैसे है, सबसे पहले इसके लिए कुछ सब्जियां लेंगे। तो सब्जी में यहाँ पर ले लेंगे प्याज, टमाटर, गाजर और खीरा। इन सभी चीज़ों को ना आप लोग अच्छी तरीके से घिस लेना। तो अगर आप लोग इनको घिसना नहीं चाहते हैं ना तो आप लोग इनको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खीरा, प्याज और गाजर को अच्छे से घिस दिया है और टमाटर को ना छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग एक बाउल लेना जिसके अंदर ना ये सारी सब्जियाँ जो आपने घिस कर रखी हैं उनको ऐड कर लेना। एंड उसके बाद इसमें अपने टमाटो के क्यूब ऐड कर लेना। उसके बाद इसमें ना मेयोनीज ऐड करना और मेयोनीज डालने में बिल्कुल भी कंजूसी मत दिखाना क्योंकि इस सैंडविच में ना मेयोनीज ज़्यादा ही जाती है। उसके बाद इसमें अच्छे से मेयोनीज ऐड कर लेना और उसके बाद यहाँ पर आप लोग टमाटो केचप ऐड करना। एंड उसके बाद ना यहाँ पर आप लोग आधा स्पून काला नमक लेना, आधा स्पून चाट मसाला ऐड करना और आधा स्पून ओरिगैनो ऐड करना और आधा स्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड करना जो इसके फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देती है। सभी चीज़ों को अच्छे से ऐड कर करना इसको मिक्स कर देना। तो यहाँ पर ना सैंडविच का मिक्सचर अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग किसी भी ब्रांड की ब्रेड ले लेना। तो यहाँ पर मैंने इस ब्रेड को लिया है और इसको ना अच्छे से हम चारों कॉर्नर कट कर लेंगे। तो आप लोग ना सभी ब्रेड के चारों कॉर्नर बहुत अच्छी तरीके से कट कर लेना और जो आप लोगों ने ये कॉर्नर कट किए हैं ना इनको फेंकना बिल्कुल भी मत। इनको अच्छी तरीके से एक बॉक्स में पैक करना और इनके ना आप लोग बाद में ब्रेड क्रम्स बना लेना। तो अच्छे से मैंने इन सभी चीज़ों के चारों कॉर्नर अच्छे से कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ना हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। ये ग्रीन चटनी मैंने पहले से ही बना कर रख ली थी, इसकी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो फटाफट से देख लेना। फिर यहाँ पर ग्रीन चटनी लगाने के बाद अपना जो आपने मिक्सचर तैयार किया है ना उसको बहुत अच्छे से लगा देना। इसको अच्छे से इसके ऊपर फैला लेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरी ब्रेड है ना इसको इसके ऊपर अच्छे तरीके से इस तरह से कवर कर लेंगे और हल्के हल्के हाथों से ना इसको प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक सैंडविच बनकर रेडी हो चुका है। अब दूसरे सैंडविच को हम बटर लगाएंगे, उसके बाद हम फिर से ये मिक्सचर लगा लेंगे और इस मिक्सचर को भी इस पर बहुत अच्छे तरीके से फैला देंगे। फिर इसकी भी दूसरी ब्रेड से इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। अब फटाफट से ना इसको हम कट कर लेंगे। इस पर पहले हल्का सा हम बटर लगाएंगे। अगर आप लोग इसको सेकना चाहते हैं तो सेक भी सकते हैं, पर ये बिना सेके भी बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देख लेना क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और आपके छोटे छोटे बच्चों को ना ये सैंडविच बहुत पसंद आएंगे। तो बस फटाफट से फॉलो करो, ट्राई कर लो और इन्जॉय कर लो। तो लीजिए हमारा यहाँ पर वेजिटेबल्स मेयोनीज सैंडविच बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग भी ट्राई कर लो, फॉलो करो एंड बाय।